ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले भक्ति काल के संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस अब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी आश्रम तक पहुंच गए हैं, वहां पंचवटी का निर्माण किया और इसके बाद अब प्रभु वहां कैसे रह रहे हैं और आगे तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। जब ते राम कीन्हि तह बासा, सुखी भय मुनि बीति त्रासा, गिरि बन नदी ताल चबि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुखाय, कग मृग बृंद आनंदित रहहि, मदप मदुर गुंजत चबि लहहि, सोपन भरनी नसक अहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछव निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग अर माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाई। यहाँ देख लीजिए, वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के संवाद नहीं है, ये है दिखते हैं, लेकिन इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी वास्तव में भक्ति क्या है दिखाना चाहते हैं। देखिए, जब ते राम किन्हि तह बासा, सुखी भय मुनि बीति त्रासा, गिरि बन नदी ताल चबि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाय। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, क्योंकि तो कोई अब तो राक्षस आने का सवाल ही नहीं है, उनका डर जाता रहा, धीरे धीरे उनके सारे कष्ट क्लेश दुख तकलीफ सब दूर होते गए हैं। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, प्रभु है तो क्या नहीं चाहिए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। जहां प्रभु रहता है तो प्रकृति के लिए और क्या चाहिए। कग मृग बृंद आनंदित रहा है, मदप मदर गुंजत चबिलाहा है, सो बन भरनी नसक अहिराजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। देखिए, पक्षी और पशुओं के समूह अत्यंत आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान सर्वम सहा चक्रवर्ती सृष्टि स्थिति लय कारक श्रीमन्नारायण उनके बीच में बैठे हैं। उस वन का वर्णन सर्पराज आदि शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल हीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। देखिए, एक बार प्रभु अत्यंत प्रसन्नता के साथ बिल्कुल बैठे हुए थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे अत्यंत सरल चल हीना, मतलब उनके मन के कोई अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ साफ शब्द में पूछ रहे हैं, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह, मतलब आप स्वामी समझकर आपसे मैं पूछ, आप ही मेरे लिए स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अर माया,
कहा हो सो भक्ति कर हूं जे ही दाया। हे देव, हे परमात्मा, परम प्रभु, मुझे समझा कर वही कही जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। कैसे? ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। वास्तव में लक्ष्मण का प्रश्न नहीं है, लक्ष्मण के माध्यम से दर्शाया गया है, लेकिन तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही पूछ रहे हैं। देखिए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहां समझाई, जाते होड़ चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और हो और शोक मोह तदा ब्रह्म नष्ट हो जाए। इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं इसका अर्थ में बताना चाहता हूं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में निवास किया, तब से मुनि अत्यंत सुखी और प्रसन्न हो गए, उनका भय दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब अत्यंत शोभा से ढक गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पशु पक्षियों के झुंड बहुत सानंदित रहते हैं और बौरें मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। सर्पों के राजा शेषनागदत्त आदिशेष भी उस वन का वर्णन नहीं कर सकते जहां प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण जी विराजमान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद वहां उनके बीच में बैठे हैं। तो एक बार ऐसे अत्यंत सब प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तब लक्ष्मण जी ने उनसे निश्चल भाव से कहा, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर जगत के स्वामी, मैं अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं, क्या हे देव मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब कुछ त्याग कर मैं आपकी चरण रज का ही सेवन करूं। ज्ञान वैराग्य और माया के मतलब इन स्वरूप की जो वृत्तियां हैं उनका वर्णन कीजिए और उस भक्ति पर प्रकाश डालिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव के भेद को भी पूर्णतः समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ हो और शोक मोह तदा ब्रह्म मिट जाए। यहाँ इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे लिए मतलब साधारण जनता की ओर से, यहाँ लक्ष्मण से नहीं, लक्ष्मण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास हमारे साधारण सभी मनुष्यों के लिए वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो किस प्रकार की भक्ति को स्वीकार करना है, अब पूछ रहे हैं। आगे के पदों में प्रभु श्री रामचंद्र जी का उत्तर भी हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।